भीगे भीगे मौसम में लूसी कबूतरी अपने घर में बैठी हलवा बना रही थी। थोड़ी दूर बैठा लूसी का पति कबूतर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मिठू तोता तो सुबह से ही खिड़की में बैठा बारिश को देखे जा रहा था। वो कभी कभी अपना पंख खिड़की से बाहर निकाल कर बारिश के ठंडे ठंडे कतरों को इंजॉय करता। मिठू जी, आप बस भी करें, यहाँ आ जाएं। आप सुबह से खिड़की में ही बैठे हुए हैं। हरियाली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब तक बरसात चलेगी मैं तो खिड़की में ही बैठूंगा। फिर हरियाली भी फुट से उड़ती है और अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। कौवों के घर में तो बारिश में भी सुकून नहीं था, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ही बनी रहती। अब उनके घर की छत टपकने लगी थी। कालू जी, अगर ऐसे ही छत टपकती रही तो घर समंदर बन जाएगा। और तुम मछली बनकर इसमें तैरने लगना। मैं एक बेलन उठाकर लगाऊंगी तुम्हारे। बाहर निकलो और घर की छत को ठीक करो। गोरी, तुम्हें पता तो है मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम जाते हो या? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से डरते हुए बाहर निकलता है और घर की छत पर जाकर देखता है। वहाँ एक बड़ा छेद हो गया था। ये छेद तो बड़ा है, इसकी मरम्मत के लिए मुझे बड़े पत्ते लाने होंगे। गौरी, बहुत बड़ा छेद हो गया है छत में, मैं जंगल से पीपल के बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। जल्दी आना और अगर मेरे लिए कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी लेते आना। कालू कौवा उड़ता है। बारिश तेज थी मगर कालू कौवा भी बारिश में उड़ना जानता था। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। बहुत वजनी है ये छाता तो सच में बहुत भारी है। मैं कैसे इसे अपने घर तक लेकर जाऊं? कालू कौवा भी चिड़िया को देखकर वहां आ जाता है। चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम यहां क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं घर से पत्ते लेने आई थी। यहाँ जे छाता किसी का गिरा पड़ा देखा तो सोचा इसे ही ले जाकर अपने घर की छत पर लगा देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है। यही समस्या तो मेरी भी है, तो फिर ये छाता तो मेरे पास होना चाहिए। कालू भैया, क्या सोचने लगे? क्या ये छाता आप मेरे साथ मेरे घर तक पहुँचा देंगे? ये छाता तो मेरी दादी का है, ये मेरी दादी के घर से हवा के जोर से उड़कर आया होगा। लाओ ये मुझे दे दो। तुम बहुत बुरे हो, हर चीज को अपना बना लेते हो, मगर मैं ये छाता तुम्हें नहीं दूंगी। कमजोर चिड़िया, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मैं किसी को नहीं देता। अगर कोई ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया से वो छाता छीन कर भाग जाता है और छोटी चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट काला कौवा, गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा छाता छीन कर ले गया। फिर चिड़िया पीपल के पत्तों की खोज में चली जाती है। कालू कौवा घर वापस जाकर वो छाता अपने घर की छत पर लगा देता है। हो गया, अब बारिश का पानी छेद से अंदर नहीं जाएगा। गोरी, क्या पानी रुक गया? कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो छत कहीं से भी नहीं टपक रही। इगली चील जो बहुत गुस्से वाली थी, उसके गुस्से से तो सब पक्षी डरते थे। वो अपना भोजन लेकर वापस आती है। वो बारिश में भीगी हुई थी, वो अपना भोजन घोंसले में रखती है। मेरा छाता कहाँ गया? किसने चुराया होगा मेरा छाता? जरूर किसी ने चुराया होगा मेरा छाता। इगली चील वहाँ से उड़ती है। कालू जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया से वो छाता छीन लिया। अब बारिश के दिन हमारा घर सुरक्षित रहेगा। कालू कहते हैं मुझे कालू, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चील उड़ती हुई मिठू तोते के घर आती है। मिठू खिड़की में बैठा हुआ था। मिठू, क्या तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा?
नहीं नहीं चील दी, मैंने नहीं देखा आपका छाता। चील आगे बढ़ती है। चील दी, आप और ऐसी बारिश में यहाँ? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है चिड़िया, कहीं तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? तो फिर वो छाता चील दी का था। चील दी, मैंने देखा आपका छाता वो दुष्ट कौवा लेकर जा रहा था। वो सामने बेरी के पेड़ पर है उसका घर। ऐसी बारिश में मुझे इतना तंग किया उस दुष्ट कौवे ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे अब। चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। तो उन कौवों ने मेरा छाता यहाँ अपने घर की छत पर लगा रखा है। कौन है? मैं चील हूँ, मिठाई लेकर आई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मिठाई का सुनकर गौरी जल्दी से दरवाजा खोलती है, मगर जैसे ही गौरी दरवाजा खोलती है, चील गौरी की पिटाई शुरू कर देती है। कालू भागा भागा आता है, चील उसे भी पकड़ लेती है और उनकी खूब धुलाई होती है। दुष्ट कौवे, ये छाता क्यों चुराया तुमने मेरा? ऐसे कहते हुए चील अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ये छाता चिड़िया से छीन कर लाए हो। गौरी, लाया तो चिड़िया से ही छीन कर था, मगर न जाने क्यों हम हमेशा पिटते हैं, और वो भी चील से। ऐसे गौरी कवि और कालू कवि को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। छोटी चिड़िया गौरी कवि के पड़ोस में रहती थी। वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी बुरा मिल जाए तो सारी जिंदगी के लिए मुश्किल बन जाती है। आज की कहानी भी कुछ एक ऐसी ही बुरी पड़ोसन की है। अभी सुबह सुबह ही थी जब गौरी कवि चिड़िया का दरवाजा पीटने लग जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, क्या बात है? आहिस्ता दरवाजा पीटे, मेरे बच्चे सो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि वो जो बड़ी शाख तुम्हारे घर के ऊपर है उसे काट दो। गौरी बहन, ये शाख मेरे पेड़ पर है, आपको इस शाख से क्या तकलीफ हो रही है? मेरे घर में 12 बजे तक धूप नहीं आती, परछाई आती है उस शाख की मेरे घर में। काटती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कालू से कहती हूँ, वो कुल्हाड़े से काट देगा। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं आज ही उस शाख को काट देती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर वो शाख काटने लगती है, तो चिड़िया की बेटी गुड़िया उसे कहती है, मम्मा, अगर उस बड़ी डाल को काट देंगे तो गर्मियों के मौसम में हमारा घर बहुत गर्म हो जाया करेगा। मुझे पता है मेरी जान, मगर क्या करूं? बुरा पड़ोसी भी ना हो किसी का, वो गौरी की बच्ची रोज इस शाख को लेकर लड़ाई बना लेती है, और बेटा जब तक गर्मियां आएंगी ये शाख फिर से फूट जाएगी। फिर चिड़िया उस शाख को काट देती है। लो बच्चों, गौरी खुश हो गई। चलो अब आलू लेने जाते हैं, शाम को आलू की भुजिया बनाएंगे। फिर वो सब आलू लेने चले जाते हैं। चिड़िया सारे काम बहुत अच्छे से करती, वो अपने बच्चों को हर समय अपने साथ साथ रखती थी। गौरी, क्या काट दी चिड़िया ने वो शाख? काटेगी क्यों नहीं, मुझे वो अच्छे से जानती है, मुझे ना सुनना जरा भी पसंद नहीं है। मम्मा, चिड़िया आंटी के घर से खुशबू किस चीज की आ रही है? लगता है कोई स्वादिष्ट चीज बना रही है चिड़िया। कालू, जाओ तो चिड़िया को देख कर आओ कि चिड़िया क्या बना रही है। मैं जाता हूँ और चिड़िया से थोड़ी मांग कर लाता हूँ। फिर कालू चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। कालू, आज हमने आलू की भुजिया बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है।
क्या मुझे भी दोगी थोड़ी सी? मैं भी तो खाकर देखूं कैसी है। किसी बर्तन में डाल दो, मैं घर जाकर खा लूंगा। फिर चिड़िया कालू को थोड़ी सी आलू की भुजिया दे देती है। कालू क्या लाए हो? आलू की भुजिया, बहुत स्वादिष्ट है। पापा मुझे भी दो। पहले बता देते, अब तो मैंने खा ली है। तुम्हारे पिताजी से तो कोई खाने की चीज देखकर सबर नहीं होता। अब जग्गू तुम जाओ, चिड़िया तुम्हें भी दे देगी। फिर जग्गू चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, पिताजी ने सारी ही खा ली आलू की भुजिया, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। जाओ यहाँ से, क्या सब बारी बारी आओगे? तुम्हारे पिताजी ले गए हैं और हमने अभी खाना खाना है। नहीं कुकू बेटा, घर आए पड़ोसी से ऐसा नहीं करते। लो जग्गू बेटा, आप यहीं बैठकर खा लें। फिर जग्गू आलू की भुजिया लेकर वहीं बैठकर खा लेता है। रात हो जाती है। कुकू और गुड़िया आपस में खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं भाई से तेज उड़ सकती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, कल देखना, मैं बहना से आगे निकल जाऊंगा। मम्मा मम्मा, भाई की चोंच तो देखें, जैसे बिल्ली की पूंछ होती है। कालू जाओ और उस चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आओ। कब से बोले जा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। वो बच्चे खेल रहे हैं, जाओ तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर गोरी कवी चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और बाहर से ही कहती है, यहाँ आसपास कोई और भी रहता है, ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मेला लगा हुआ है यहाँ। बच्चों चुप कर जाओ, देखो गोरी आंटी तंग हो रही हैं। आप जाएं, क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? आप तो हर समय हमें ही तंग करती हैं। चिड़िया अपनी बेटी से कहो जबान संभाल कर बोले, मैं इसकी जबान काट दूंगी। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, आप जाएं गोरी, अब दोबारा आवाज नहीं आएगी। सुबह हो जाती है और गोरी कवी अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके चिड़िया के घर के बाहर फेंक देती है। अब चिड़िया उठा लेगी मेरे घर का भी कचरा। ऐसा कहते हुए गोरी कवी अपने घर चली जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से निकलती है, अपने घर के बाहर कचरा देखकर चिड़िया गौरी को आवाज देती है। गौरी ओ गौरी, क्या ये कचरा तुमने यहाँ फेंका है? मैं पास आकर बताती हूँ। जी हाँ, मैंने ही फेंका है। और याद रखो, तुम्हारा घर इस जगह से पीछे पीछे है और ये जगह तो सरकार की है। अगर मैं यही कचरा तुम्हारे घर के आगे फेंक कर कहूँ कि ये जगह सरकार की है, तो फिर तुम एक बार फेंक कर तो देखो, मैं देखती हूँ तुम कैसे फेंकती हो। शोर सुनकर गुड़िया और कुकू भी घर से बाहर आ जाते हैं। आपने रात को सारी हमारी आलू की भुजिया मांग मांग कर खा ली और अब हमारे दरवाजे के सामने कचरा फेंक रहे हो? जाओ बेटा, बच्चे बड़ों की बातों में नहीं बोलते। फिर चिड़िया वो कचरा उठाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर दूर पहाड़ों की तरफ जाकर कचरा फेंक देती है। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि गोरी कवी उसे कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया क्यों परेशान हो, क्या फिर से तुम्हारी पड़ोसन से लड़ाई हो गई? क्या बताऊं कबूतर, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आए दिन कोई ना कोई समस्या। आज तो उसने मेरे दरवाजे के सामने अपने घर का सारा कूड़ा फेंक दिया था। चिड़िया, रोज रोज के रोने से अच्छा है आप एक बार ही रो लें। क्या मतलब कबूतर, मैं समझी नहीं। मेरे घर के पास ही एक बड़ी चील रहती है, वो टूटे हुए घोंसले में रहती है और उसे नया घर खरीदना है। आप अपना घर उसे बेच दें।
और फिर मैं कहाँ जाऊंगी कबूतर भैया? मेरे पास दो घर हैं, उनमें से एक आप ले लें। मेरी भी जान छूट जाएगी बुरी पड़ोसन से और आपकी भी। चिड़िया को कबूतर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो फिर अभी चलें झील के पास। ऐसे चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के साथ वहाँ से जाते हैं। कितने में दोगी चिड़िया तुम अपना घर? जो आपकी इच्छा चील दी, मैं अपनी पड़ोसन से बहुत तंग हूँ। आप मेरा घर रख लें और जितने पैसे देने हुए दे देना। ऐसे वो बड़ी चील चिड़िया से उसका घर खरीद लेती है और चिड़िया कबूतर के दूसरे घर में चली जाती है। अभी दूसरा ही दिन था जब बड़ी चील गोरी को आवाज देती है। सुनो काली कवी, मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। चील दी, आप और यहाँ? तो और कहाँ जाऊँ? मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है। क्या? हाँ, और सुनो, ये लकीर लगा दी है मैंने। आज के बाद तुम यहाँ से नहीं गुजरोगी। और मुझे जल्दी सोने की आदत है। शाम 5 बजे के बाद अगर तुम्हारे घर से कोई आवाज आई तो जान से मार दूंगी पूरे परिवार को। एक बात और। चील ऐसे बोले जा रही थी और गोरी हाँ में सर हिलाए जा रही थी। गोरी, चिड़िया बहुत अच्छी थी। हम कई बार उससे शाम का खाना भी ले लेते थे और वो तुम्हारी वजह से यहाँ से चली गई है। हाँ कालू, मगर जो खेल चिड़िया मेरे साथ खेल गई है, मैं उसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। उस जालिम चील ने पहले ही दिन मुझे मेरी नानी याद दिला दी है। अब जीवन कैसे गुजरेगा यहाँ? फिर ऐसे कालू और गोरी कवि बहुत पछताते हैं और चिड़िया कबूतर के पड़ोस में खुशियों भरा जीवन जीती है।